गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर आई स्वैप के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्रॉस चेन स्वैप सर्विस प्रोवाइड करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। काफ़ी यहाँ पे यूजेबल वीडियो है, आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि आई स्वैप की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर हमें रेगुलर बेस पे एनएफटी के अंदर, डीफाई के अंदर ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं। हमें एयर ड्रॉप एंड जो भी हमें टोकन्स मिलते हैं, एनएफटी मिलते हैं, वो अलग अलग ब्लॉकचेन पे मिलते हैं। लाइक कि मैटिक ब्लॉकचेन पे हो गया, हुबी के जो एक्को ब्लॉकचेन है उस पर मिल गया, कई लोगों को ओकेक्स की ब्लॉकचेन पे मिलते हैं टोकन। तो उनको क्या है कि उनकी ब्लॉकचेन से अदर ब्लॉकचेन में, जैसे कि बाइनेंस पे ले जाना, हुबी पे ले जाना और अदर जो ब्लॉकचेन है उसमें ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। जहाँ पर जनरली लोग यूज़ करते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन का, तो वहाँ पर आपको बहुत कम सर्विसेज दी जाती है और बाइनेंस स्मार्ट चेन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी हैं, जहाँ पे सपोर्ट में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसे केस में आप लोग आई स्वैप का यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पर इजीली किस तरह से आप स्वैप कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पर अभी आप लोगों को, सभी को पता होगा कि मेटिक का भी काफ़ी क्रेज़ है और अदर जो ब्लॉकचेन है उसमें भी काफ़ी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, एनएफटी का क्रेज़ है, आईडीओज़ वगैरह आते हैं। तो आपको इधर से उधर जो ब्लॉकचेन है उससे ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, उसको यूज़ करना पड़ता है, तो उसको आप किस तरह से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई स्वैप एक डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे कोई साइनअप वगैरह नहीं करना पड़ता है। सिंपल सा आपकी मेटामास्क के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होता है और आप यहाँ पे मल्टीपल जो ब्लॉकचेन है उसमें आप क्रॉस चेन यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे एक इसका भी इम्पोर्टेंट यूज़ है, बहुत सारे लोगों को, काफ़ी सारे एक्सचेंज में केवाईसी नहीं करना चाहते हैं, वो अपने डाटा रिवील नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा जो फंड है उसका टोटल कंट्रोल मेरे पास रहे। जैसे कि अगर आप बाइनेंस पे रखते हैं तो बाइनेंस का पूरा कंट्रोल है, आपको सिर्फ और सिर्फ फंड दिखाता है, शो होता है कि आपके पास फंड है, बट जब आप विड्रॉ लेने जाओगे तो बाइनेंस की परमिशन के बिना आप विड्रॉ नहीं ले सकते हैं। अगर बाइनेंस कल ने अनाउंसमेंट कर दे कि हम 10 दिन तक किसी को विड्रॉ नहीं देंगे तो आपको 10 दिन वेट करना पड़ेगा, आपको उसका वेट करना ही पड़ेगा। बट इसकी जगह आपके अगर पर्सनल वैलेट में है तो आप उसको कभी भी निकाल सकते हो, चाहे कोई भी आपको कंट्रोल किसी का भी नहीं रहता, आप जब चाहो उसको निकाल सकते हो। तो उस केस में आप लोग ये स्वैप एक्सचेंज है उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग सीधा ये बोलोगे हम यूनिसेफ का यूज़ क्यों नहीं कर ले, वन इंच का यूज़ क्यों नहीं कर ले, पैनकेक स्वैप का क्यों नहीं कर ले। बट इनमें क्या है कि जैसे यूनिसेफ है तो उसमें जैसे बीएससी और इथेरियम चेन है उनको ही सपोर्ट करेगा। अगर आप 1 इंच को करोगे तो सिंपल सा 1 इंच भी यही सपोर्ट करता है, बीएससी चेन और इथेरियम चेन को ही। बट अगर आप यहाँ पर आई स्वैप का यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको क्या कि मल्टीपल चेन मिल जाती है। जैसे कि अगर आपको स्वैप करना हो कि मेरे पास तो बीएनबी है, उसको मैं पॉलीगॉन नेटवर्क का पॉलीगॉन को किस तरह से बाय करूं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, आपको आई स्वैप का यूज़ करना होगा। आई स्वैप पे आप इजीली यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं अपने डायरेक्टली बीएनबी को। पॉलीगॉन में तो हो जाता है, जैसे पॉलीगॉन का बीएससी चेन पे भी है, इथेरियम में भी है और अदर ब्लॉक चेन पे भी, बट पॉलीगॉन के खुद के नेटवर्क पर आप किस तरह से करोगे वो आपको फैसिलिटी आई स्वैप पे ही मिलेगी। इसके साथ साथ में आप इथेरियम में कर सकते हो, ओकेक्स चेन के अंदर कर सकते हो, हुबी के इको चेन, हेको चेन पे कर सकते हो। इस तरह से आपको ये एडवांटेज मिल जाता है, आपको किसी भी अदर ब्लॉकचेन के ऊपर आप डायरेक्टली यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं, जो कि ये यूनिस्वैप, 1 इंच, पैनकेक स्वैप ये प्रोवाइड नहीं करते। ये अपने खुद के जो ब्लॉकचेन है, लाइक कि बीएससी चेन है तो बीएससी चेन टू बीएससी चेन के अंदर ही ट्रांजेक्शन अलाउ करते हैं। यहाँ पे कोई केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई फ्रॉड नहीं है। ये इसके अंदर काफ़ी हुबी ने इन्वेस्ट कर रखा है, बाइनेंस स्मार्ट चेन ने इन्वेस्ट कर रखा है, ओकेक्स ने इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑडिटेड कंपनी की बात करें तो सर्टिक यहाँ पे टॉप कंपनी के अंदर आती है कॉन्टैक्ट ऑडिट के अंदर, और यहाँ पे फेरी प्रूफ है, ये भी काफ़ी अच्छी ऑडिट कंपनी है, दोनों के थ्रू ये ऑडिट हो रखा है आई स्वैप। इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे हुबी के इको चेन ने यहाँ पर पार्टनर है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पार्टनर है, हुबी वेंचर्स यहाँ पे पार्टनर है, डीफाई बॉक्स यहाँ पे पार्टनर है, हुबी का वैलेट यहाँ पे पार्टनर है, टोकन पॉकेट, पॉलीगॉन खुद है और ओकेक्स चेन, यहाँ पे इतने बड़े बड़े पार्टनर हैं इनके आई स्वैप के। तो यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आपको ज़रूरत पड़े तो ही यूज़ करना, बाकी इसका यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। और जनरली ज़रूरत पड़ती रहती है। हमें रिसेंट के अंदर ही काफ़ी कमेंट आए थे कि हम यहाँ पर अपने जो बाइनेंस चेन से या इथेरियम चेन से मेटिक के ब्लॉक चेन पर कैसे करो, क्योंकि मेटिक पे कुछ एयरड्रॉप वगैरह भी चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पर आईडियो वगैरह भी चल रहे हैं, उसके बारे में भी मेरा रिसर्च जारी है, आपको जल्दी बताएंगे। तो उसमें आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उसमें भी आप आई स्वैप का यूज़ कर सकते हैं।
सिंपल का सा किस तरह से करना है वो बात आपको मैं अभी सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो आई स्वेप यहाँ पे सिंपल सा 3 सेकेंड के अंदर आप बहुत बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मार्केट के कंपेयर में आपको 6 से लेके 15x आपको फास्टर यहाँ पे ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी कम फीस के अंदर आपका काम हो जाता है। तो आप इसका जो आर्टिकल है वो भी रीड कर सकते हैं। आई स्वेप का जो ट्विटर हैंडल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि आप लोगों को यहाँ पर एयरड्रॉप आते रहते हैं, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। यहाँ पे $16,000 का भी एयरड्रॉप चल रहा है, तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन चलते रहते हैं, अभी अर्ली स्टेज है, अभी रिसेंट के अंदर ही लॉन्च हुआ है, 1-2 दिन हुए हैं लॉन्च हुए, तो अभी यहाँ पर न्यू है, तो आप लोग डेफिनेटली इसका एडवांटेज उठा सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर एयर ड्रॉप भी ज्वाइन कर सकते हो और आपको यहाँ पे टोकन फ्री में मिल जाएंगे। आप यूज किस तरह से करेंगे, बिल्कुल ईजी है। आपको मेटामास्क होना चाहिए आपके पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर। उसके बाद में आप किस तरह से ईजिली आपको यहाँ पर जो भी चेन के अंदर कन्वर्ट करना है वो चेन आपको यहाँ पर सिंपल सा इंस्टॉल कर लेना है, चेन को ऐड कर लेना है। मैंने भी यहाँ पे इथेरियम, बाइनेंस चेन, मेटिक चेन यहाँ पे ऐड कर रखा है, वो भी बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाता है। आपको सिंपल सा जिस भी चेन को ऐड करना है वो चेन के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे मेटामास्क के यहाँ पे स्मार्ट चेन लिखा हुआ है, यहाँ पे आके कस्टम आरपीसी पे क्लिक करोगे और ये डाटा आप भर दोगे तो वो चेन आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ओके, एक चेन करना हो, जो भी चेन आपको करना हो वो चेन आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो अभी आप किस तरह से स्वेप करेंगे, तो सिंपल सा आपको कनेक्ट कर देना है मेटामास्क के। मैंने बीएससी वैलेट को, मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन को यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आई स्वेप का यूज़ किस तरह से करेंगे, जैसे सिंपल सा मेरे पास बीएनबी है, मैं उस बीएनबी को मैटिक के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मैटिक ब्लॉकचेन के अंदर वाला मैटिक के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, या मेरे को हुबी के अंदर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, हुबी के यूएसडीटी के अंदर कर सकता हूँ, मतलब हैको ब्लॉकचेन के अंदर। इसके साथ साथ में यहाँ पे बीएससी का तो है ही है, पॉलीगॉन के अंदर ये जो टोकन है पॉलीगॉन सपोर्टिव, उनके अंदर मैं सारे के सारे जो भी टोकन मेरे को बाय करना हो उसके अंदर मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपने बीएनबी को स्वेप कर सकता हूँ। इथेरियम नेटवर्क के अंदर आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बीएनबी कॉइन को। ओकेक्स चेन के भी काफ़ी, जैसे बेबी डोगी है भी काफ़ी हाइप के अंदर रहा, तो इन टोकन्स को भी अगर आप इसके अंदर स्वेप करना चाहते तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो ओकेक्स चेन का यूएसडीटी है उसको भी आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर। तो सिंपल सा अगर आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना तो सिंपल सा जो आपके पास बीएनबी है वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। जैसे मैं तो सिंपल सा जैसे 0.1 BNB अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पे 31.55 यहाँ पे मैटिक मेरे को मिल जाएगा। और यहाँ पे रिसिप्ट एड्रेस है, ये एड्रेस ज़रूर से आप वेरीफाई करना कि आपका ही एड्रेस है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरा 3D लिखा हुआ, 3D मेरा ये है, तो मेरा मैटिक ब्लॉकचेन के अंदर मेरे को यहाँ पे ये मैटिक आ जाएंगे। तो सिंपल सा मेरा अभी बैलेंस देखिए 0.0015 मैटिक है, तो मैं यहाँ पे स्वेप करता हूँ। सारी चीज़ें आपके सामने लाइव करने की कोशिश करता हूँ, तो सिंपल सा मैं स्वेप करूँगा। यहाँ पे फीस वगैरह भी काफ़ी कम है, तो सिंपल सा मैं स्वेप पे क्लिक करूँगा तो स्वेप यहाँ पे आ जाएगा। आपको कितना क्या मिलेगा सारी चीज़ें आप पहले मस्ट चेक कर लेना। मैं यहाँ पे स्वेप करता हूँ, यहाँ पे मेरे को परमिशन देनी होगी कि यहाँ पर इसको आप कंफर्म करना चाहते हैं। बीएनबी की फ़ीस देखिए बहुत ही कम, 0.0040 BNB ही फीस लग रहा, तो मैं यहाँ पर कन्फर्म करता हूँ। और यहाँ पे पेंडिंग है, देखिए कितना फास्ट तरीके से होता है, पेंडिंग है। अभी इमीडिएटली आपको यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, मैं आपके साथ में लाइव ही सब दिखा रहा हूँ। देखिए ट्रेड सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है, ये यहाँ से चेन से ट्रेड सक्सेसफुली होगी, अब मैटिक चेन के अंदर आपको ये रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपल सा इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ये विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर आपको यहाँ पर रिसीव हो जाता है। मैं आपको आगे ये ट्रेड वापस से करके दिखाऊंगा तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ। और आपको अदर ब्लॉक चेन के अंदर भी करना हो तो अदर ब्लॉक चेन से भी कर सकते हैं, पॉलीगॉन के अंदर हो गया, इथेरियम हो गया, एक चेन हो गया, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मेरे को वापस से इस मैटिक को दूसरे ब्लॉकचेन में कन्वर्ट करना हो तो मैं सिंपल सा यहाँ पे मैटिक को दूसरे ब्लॉकचेन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये विद इन फ्यू सेकेंड्स के अंदर आ जाता है क्योंकि ये क्रॉस चेन यहाँ पे एक्सचेंज है। तो पहले आपके जो बीएनबी हैं वो यहाँ पर इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, वो वहाँ से मैटिक को रिलीज करेंगे, फिर मैटिक अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे। अगर सेम चेन में होता तो इमीडिएटली आपको उस चेन के अंदर हो जाता, बट ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे उसके बाद में आपको ये रिसीव होते हैं। तो सिंपल सा अगर मैं इसको वापस से कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मेरा सिंपल सा हो जाएगा। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, मैं मैटिक ब्लॉक चेन को यहाँ पर कनेक्ट करके सिंपल सा मैं यहाँ पे मैटिक नेटवर्क को यहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पर अभी तक तो मेरे को यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ है, अभी मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि कितना टाइम लेता है। विद इन
फ्यू सेकेंड और मिनट्स के अंदर हो जाता है क्रॉस चेन में, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेते हैं ये लोग। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा ये आ गया है मेरे पास, देखिए मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। मेरा ये मैटिक वाला चेन है, सेकेंड ही लगे हैं मेरे अकाउंट के अंदर, 31 यहाँ पे मैटिक आ चुके हैं। मैं वापस से कनेक्ट करता हूँ इसको, यहाँ पे रिफ्रेश होगा और मेरा मैटिक यहाँ पे आ जाएगा। मेरे को यहाँ पे शो हो रहा, ये देखिए यहाँ पर मेरा बैलेंस आ गया, 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर मेरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गया है। अभी सिंपल सा मैं इसको BNB के अंदर नहीं करता हूँ, मैं दूसरे कॉइन के अंदर कर रहा हूँ, लाइक कि मैं BUSD अगर हो तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, जैसे BUSD के अंदर करना है। तो मैं मेरे सारे मैटिक को तो नहीं करूँगा क्योंकि ट्रांजेक्शन फीस के अंदर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ मैटिक को मैं यहाँ पे आपको वापस से करके दिखा देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन दिखा दिया है सिंपल सा, मैं यहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मेरे को 20 यहाँ पे मैटिक को करना है तो मेरे को 24 यहाँ पे जो ये USDT वो मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको $30 मिनिमम की आपको ट्रेड करनी है, तो मैं 32 का करता हूँ और यहाँ पे 32 मेरे पास होगा नहीं, 31 है। तो मैं सारा को सारा करता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ जिससे कि मेरा फीस का बच जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा स्वेप करता हूँ और यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी, स्वेप नाउ पे क्लिक करना है। आपको मैटिक नेटवर्क का यहाँ पे परमिशन देना होगा, जहाँ पर आपको 0.0013 यहाँ पे मैटिक फीस लगेगा। बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये इजीली हो जाएगा क्विकली जैसा अपन ने पहले किया था उस तरह से। और यहाँ पर आपको ये कर सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन में, देखिए बहुत ही कम यहाँ पे ब्लॉक चेन है। यहाँ पे एक आप कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉन नेटवर्क नहीं है, जल्दी ट्रॉन नेटवर्क भी आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बाइनेंस चेन में ट्रॉन नेटवर्क, इथेरियम, BSC नेटवर्क, ये तीन चीज़ें ही मिलनी, ओमनी का यहाँ पे सस्पेंड दिखा रहा है। तो इसके बजाय आप लोग ये जो iSwap है इसका यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और कि कई लोगों के यहाँ पे इश्यूज आ रहा है कि मैटिक नेटवर्क के अंदर ट्रांजेक्शन करें तो वहाँ पर हमारे पास मैटिक वाला कॉइन नहीं है, डिपॉजिट विड्रॉ में भी दिक्कत आती है वहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम। तो अगर आपको ट्रांजेक्शन फ़ीस के लिए मैटिक चाहिए तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि मैटिक फॉसेट की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आप सिंपल सा गूगल के अंदर गूगल करना मैटिक फॉसेट, वहाँ पे जाना। और जैसे ये वेबसाइट है तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है कि आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल सा अपना एड्रेस लेता हूँ, अपना मेटामास्क का एड्रेस आपको यहाँ पे लेना है, कॉपी एड्रेस में करता हूँ। तो आपको क्या करना है कि ये जो मैटिक फॉसेट है इसके अंदर आपको अपना एड्रेस डाल देना है और सिंपल सा आपको यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसको कैप्चा को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको फ्री के अंदर मैटिक मिल, ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट आपके जो एक बार आप क्लेम करोगे जैसे 0.001, तो आपका एक ट्रांजेक्शन तो आराम से यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपल सा सेंड मैटिक पे क्लिक करता हूँ टू माई एड्रेस, तो सिंपल सा आपको ये जो एड्रेस है, करंटली लिमिट यहाँ पे 10 फॉसेट की है और यहाँ पे ग्लोबल लिमिट है, तो शायद मेरा हो गया है। अगर नहीं होता है तो आप लोग वापस से कैप्चा को कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मल्टीपल वेबसाइट मिल जाएगी गूगल में। मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको अगर ट्रांजेक्शन के लिए ही यहाँ पर ये चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैटिक, तो आप लोग बिल्कुल ईजी तरीके से आप ही लोग यहाँ पर फॉसेट की वेबसाइट से क्लेम कर सकते हैं और ईजिली आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। इनमें क्या है कि आप 2-3 वेबसाइट को ट्राई कर लेना, कुछ वेबसाइट्स में इश्यूज चलते रहते हैं, तो मैं भी ना हो तो आप इजी तरीके से यहाँ पर ये फॉसेट की वेबसाइट से आप कुछ मैटिक आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। बाकी आप लोग इनका ट्विटर हैंडल वगैरह फॉलो कर लेना, आपको ज़रूरत पड़े तो इसको डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।